हे व्हाट्स अप पीपल, माय नेम इज सिद्धार्थ। वेलकम बैक टू चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करने वाला हूँ टाटा की पंच वर्सेस टाटा की नेक्सॉन। दोनों ही कारें जबरदस्त है, रियलिटी में दोनों ही कारों का कोई भी कंपेरिजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है टाटा पंच के साथ जाए या फिर टाटा नेक्सॉन को कंसिडर करे। तो इस वीडियो के अंदर आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करूंगा डायमेंशन को, इसके अलावा इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशन को, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको 5 लाख से शुरू होने वाली टाटा पंच के साथ जाना चाहिए या फिर आपको 7.5 लाख रुपए से शुरू होने वाली टाटा नेक्सॉन के साथ जाना चाहिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, क्योंकि टाटा पंच के प्राइसेस रिवील हो चुके हैं। आपको इसी वीडियो के अंदर टाटा पंच की कीमत के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम डायमेंशन से स्टार्ट कर लेते हैं। टाटा पंच की लेंथ है 3840 mm की, जो कि 153 mm कम है एज कम्पेयर टू टाटा नेक्सॉन। तो यहाँ पर लेंथ के मामले में नेक्सॉन थोड़ी सी बड़ी है। वही अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो टाटा पंच की विड्थ है 1822 mm की, जो कि 11 mm ज्यादा है एज कम्पेयर टू टाटा नेक्सॉन। तो यहाँ पर आपको टाटा पंच की विड्थ थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो पंच की हाइट है 1635 mm की, जो कि 29 mm ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। तो यहाँ पर विड्थ के मामले में और हाइट के मामले में पंच थोड़ी सी आगे निकल जाती है, वो आपको थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाएगी हाइट में और विड्थ में, लेकिन जो लेंथ रहेगी वो नेक्सॉन की थोड़ी सी ज्यादा है। उसकी मदद से इंटीरियर में आपको अच्छी खासी स्पेसिंग मिलेगी और बूट स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा नेक्सॉन के अंदर। वही अगर मैं व्हील बेस की बात करूं तो टाटा पंच के अंदर 2450 mm का व्हील बेस दिया हुआ है, जो कि नेक्सॉन के मुकाबले 48 mm कम है। वही अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो टाटा पंच के अंदर आपको एक पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, वही नेक्सॉन के अंदर 2 डीजल इंजन और 1 पेट्रोल इंजन दिया जाता है। टाटा पंच के अंदर आपको 1.2 लीटर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि लगभग 84 bhp की पावर आउटपुट और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ट्रांसमिशन के तौर पर पंच के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन दिया जाएगा। वही अगर मैं नेक्सॉन के पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो नेक्सॉन के अंदर 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो कि लगभग 118 bhp की पावर आउटपुट और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन आपके सामने है, आपको नेक्सॉन के अंदर थोड़ी सी ज्यादा पावर मिलेगी पेट्रोल इंजन में, आपको टाटा पंच के अंदर थोड़ी सी कम पावर आउटपुट मिलने वाली है। वही अगर मैं इंटीरियर फीचर्स की बात करूँ, दोनों ही कारों के अंदर आपको अच्छे खासे इंटीरियर फीचर्स मिलेंगे। हालांकि जो टाटा के नेक्सॉन है, इसके अंदर भी काफी हद तक कमाल के फीचर्स टाटा कंपनी ने ऑफर करे हुए हैं। टाटा पंच का इंटीरियर का थीम आपको ड्यूल टोन कलर के साथ देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए पंच के अंदर 7 इंच का टच स्क्रीन इनपुटमेंट सिस्टम ऑफर किया हुआ है। ड्राइवर के लिए मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील भी आपको मिलेगा। इसके अलावा टाटा अल्ट्रोज वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल टाटा पंच के अंदर ऑफर किया हुआ है, तो ये भी काफी हद तक कमाल की बात है। इसके अलावा टाटा पंच के फर्स्ट रो और सेकंड रो के ऊपर आपको अच्छी खासी स्पेसिंग मिलने वाली है। इसके सेकंड रो के ऊपर 3 लोग तो आराम से बैठ सकेंगे। टाटा पंच के अंदर आपको क्वालिटी मटेरियल देखने को मिल जाएगा, मतलब बहुत सारी वीडियोस सामने निकल कर आए हैं, उससे ये साफ हो चुका है कि टाटा पंच के अंदर हाई क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा और दिखने में ये काफी हद तक कमाल का लग रहा है। वही अगर मैं नेक्सॉन की बात करूं तो नेक्सॉन का इंटीरियर भी काफी हद तक कमाल का है। सिंगल टोन और ड्यूल टोन कलर थीम के साथ टाटा नेक्सॉन आ जाती है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए इसके अंदर भी आपको टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इसके अलावा मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सनरूफ भी आपको टाटा नेक्सॉन के अंदर ऑफर किया जाता है। ये भी काफी हद तक कमाल की बात है और अच्छे खासे फीचर्स आपको टाटा नेक्सॉन के अंदर ऑफर किए जाएंगे। रही बात स्पेसिंग और कंफर्ट की, तो आपको टाटा नेक्सॉन के अंदर थोड़ा सा कंफर्ट और स्पेसिंग ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू टाटा की पंच, लेकिन फिर भी मतलब इतना ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही कारों का इंटीरियर काफी तक कमाल का है। प्राइसिंग के हिसाब से टाटा पंच का इंटीरियर काफी तक कमाल का है, तो यहाँ पर विनर का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि दोनों ही कारें अलग अलग सेगमेंट की है, दोनों ही कारों की प्राइसिंग अलग अलग है। अगर मैं एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूँ तो दोनों ही कारों का जो एक्सटीरियर लुक है वो काफी तक कमाल का है और रोड प्रेजेंस के हिसाब से दोनों ही कारें किलर है, मतलब नेक्सॉन भी काफी हद तक कमाल की दिखती है रोड के ऊपर और यहाँ पर जो टाटा की पंच है ये तो डेफिनेटली तबाही मचाने वाली है। वही अगर मैं टाटा पंच की बात करूँ तो टाटा पंच फ्रंट से, साइड से और रियर से दिखने में काफी हद तक कमाल की लगती है। अगर साइड बाय साइड टाटा नेक्सॉन को और पंच को खड़ा किया जाएगा, हाइट आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी पंच के अंदर, लेंथ नेक्सॉन की थोड़ी सी ज्यादा है और विड्थ पंच के अंदर थोड़ी सी ज्यादा दी गई है। तो ये डिफरेंस आप नोटिस कर पाओगे टाटा पंच के एक्सटीरियर में और नेक्सॉन के एक्सटीरियर में। वही पंच का फ्रंट फीशिया काफी हद तक कमाल का है। इसका फ्रंट फीशिया हैरियर और नेक्सॉन से इंस्पायर्ड है। इसके अंदर कंपनी ने LED DRL का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि हैरियर से इंस्पायर है। हेडलाइट में आपको LED और हेलोजन का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है टाटा पंच के अंदर। ग्रिल्स भी काफी हद तक कमाल की है। वही टाटा पंच के फ्रंट के बंपर्स और रियर के बंपर्स बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है, बहुत ही बड़े बंपर्स इसके अंदर ऑफर किए जाएंगे। टाटा पंच के अंदर 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स
दिए जाएंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और इसका रियर का फीचर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर मैं नेक्सॉन के एक्सटीरियर की बात करूँ तो ये भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगती है। इसका भी रोड प्रेजेंस काफ़ी तक ज़बरदस्त है। इसका फ्रंट फीचर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, LED DRL इसके अंदर ऑफर किए जाते हैं। फुल LED हेडलाइट का सेटअप भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसकी कीमत ज़्यादा है तो अच्छे खासे फीचर्स आपको नेक्सॉन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करूँ तो दोनों ही कारों का जो एक्सटीरियर है काफ़ी तक ज़बरदस्त है, मतलब रोड प्रेजेंस दोनों ही कारों का किलर रहने वाला है। वहीं अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो दोनों ही कारों के अंदर आपको बहुत ही कमाल के सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि टाटा नेक्सॉन को सेफ्टी में फाइव स्टार रेटिंग्स मिले हैं, ये काफ़ी तक कमाल की बात है। और हम सबको पता है कि टाटा की कारों की बिल्ड क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त रहती है, सिमिलरली टाटा पंच की बिल्ड क्वालिटी भी ज़बरदस्त रहने वाली है। इसके अंदर भी आपको काफ़ी कमाल के सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही कारों के अंदर बहुत ही कमाल के फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं टाटा पंच की बात करूँ तो टाटा पंच के प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स टाटा पंच के अंदर ऑफर किए गए हैं। क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपको टाटा पंच के अंदर देखने को मिल जाएगा, एक्सटीरियर से भी काफ़ी तक कमाल का है, रोड प्रेजेंस भी ज़बरदस्त है। अगर आपका बजट कम है तो डेफिनेटली आप टाटा पंच के साथ जा सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप टाटा नेक्सॉन को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का बजट कम रहता है तो डेफिनेटली उनके लिए टाटा पंच एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। क्योंकि टाटा पंच के अंदर आपको कमाल के फीचर्स भी मिलेंगे, कमाल का इंजन भी इसके अंदर दिया हुआ है और सेफ्टी के हिसाब से टाटा पंच के अंदर भी आपको अच्छे फीचर्स मिलेंगे और टाटा की बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही है। वही अगर मैं प्राइस की बात करूं तो टाटा पंच के जो लीक प्राइसेस है यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर वो सारे प्राइसेस पढ़ सकते हैं। अगर मैं नेक्सॉन की कीमत की बात करूं तो नेक्सॉन की कीमत शुरू होती है 7.29 लाख रुपीज से, टॉप मॉडल 13.24 लाख रुपीज तक चला जाता है। तो यहाँ पर प्राइसेस आपके सामने है। तो इन दोनों में से आपको कौन सी कार अच्छी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।